एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग, दिस इज लास्ट डे फ्रॉम भूज और अभी 9:45 हो रहे हैं और हम चेकआउट कर रहे हैं 10 सिटी से। कैसा रहा एक्सपीरियंस? मस्त। मेरा मन था एक दिन और रुकने का, बट बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली है। कॉस्टली तो बहुत है, बहुत कॉस्टली। अब इसका पैकेज का क्या है वो बता दे। पैकेज का मुझे पड़ा 15,000 फॉर वन नाइट और इसमें सब इंक्लूडेड है, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट और हाई टी। मतलब खाना वर्थ इट है बट थोड़ा कॉस्टली है, तो चलता है। मतलब जिसके पास पैसे है वो चार दिन भी रह सकता है, जो हमारे सारे गरीब है वो एक दिन रह सकते हैं, जिसके पास पैसे हो तो कितने भी दिन रह सकते हैं। हमको एक्सपीरियंस करना था और आई थिंक वन डे इनफ है। लेकिन हाँ, जैसे ये लोग सेकेंड डे में काला डूंगर वगैरह लेके जाते हैं, बट हम लोग आज अपने आप से ही जा रहे हैं, तो आप रह सकते हैं, वर्थ इट है, आना चाहिए एक बार रहने के लिए। तो हमारा जो आज का प्लान है वो है काला डूंगर और वहाँ से फिर रोड टू हेवन लेते लेते हम अपने हेवन यानी गांधीनगर चले जाएंगे, फिर वही कपड़े धुलने वाले। तो अभी चलते गाड़ी की ओर और निकलते काला डूंगर। 15,000 में हमने एसी कॉटेज लिया था लाइक, और अगर आप लोग को नॉन एसी लाइक दिसंबर में आते हो तो 12,000 अराउंड पड़ेगा वो। तो लास्ट टाइम ट्रेन की राइड लेते लेते हम लोग जा रहे हैं अपने पार्किंग जोन के पास, और ट्रेन राइड बहुत अच्छी है, मतलब सीरियसली बहुत एंजॉयबल है, मजा आता है, मजा आता है। टॉय ट्रेन जैसी फीलिंग, टॉय ट्रेन जैसी फीलिंग, मस्त फीलिंग आती है। तो आपको एक मस्त चीज दिखाते हैं, बोलते हैं चुंबक वाली रोड है, अपने आप गाड़ी पीछे जाती है, तो देखना अभी। आपने स्पीड देखी ना, इतनी स्पीड से पीछे आती है, अगर आप रोकते नहीं हो ना तो और स्पीड पकड़ लेती है, तो आप रिवर्स में वापस जा सकते हो, वापस जा सकते हो, कारों डूंगे तभी अपना पेट्रोल बचा के। वो सामने की तरफ लगा है चुंबकीय क्षेत्र, तो हम कुछ नहीं करते तो गाड़ी अपने आप पीछे जाती है। अपने वीडियो में देखा है, मैंने पहली बार देखा है, मैं पहली बार भी आई थी बट तब मुझे कोई आइडिया नहीं था। करण कैसा लगा? मैंने एक्चुअली 8-10 साल पहले आया था, तब मैंने देखा था, मुझे पता था कालो डूंगा जैसे रास्ते में ये रोड आते, क्योंकि यहाँ पे वो कौन सी कैंसर लाइन, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर में भी उसकी वजह से होगा, पर यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ना उसकी इफेक्ट आती है, तो आप फ्री कर दोगे कार तो ऑटोमेटिक भी जाएगी, बहुत स्पीड से भी जाती है, अगर आप लेते नहीं हो तो। बहुत ही मस्त एक्सपीरियंस है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं काला डूंगर, जो कि भूज के सबसे हाईएस्ट पीक है, तो यहाँ से सनसेट सनराइज सब दिख सकता है। और हमने बाइनोकुलर्स ले लिए, दिखाना ये वाले बाइनोकुलर्स, 100 रुपये चार्ज है, तो ऊपर जाके आप देख सकते हो वहाँ पे बॉर्डर और मंदिर वो सब दिखता है। आपको तो नहीं दिखा पाएंगे, पर हम देख के आपको बता देंगे कि वर्थ इट या नहीं। भाई नीचे से 100 रुपये में जो मिल रहा है वहाँ से मत लेना, हमारा तो बाइनोक्यूलर है वो टूटा हुआ है। आप ऊपर आ जाना, ऊपर आपको 4-5 लोग और मिल जाएंगे और वो आपको 50 रुपये में, क्या है ना कि यहाँ पे सारे पॉइंट्स 50-100 रुपये में दिखा भी देंगे, तो नीचे से लेके मत आना, ऊपर से ले लेना। तो हमारा ये हो चुका है कालो डूंगर, इट्स वेरी सिमिलर टू जो हमने उदयपुर में नहीं माउंट आबू में जो गुरु शिखर देखा था, ऐसा ही वाइब है। ऊपर है पीक है और वहाँ से आसपास सब दिखाई दे रहा है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आप 50 रुपीज़ में बॉर्डर और वो ब्रिज और वो सारी चीज़ें देख सकते हो, बाइनोकुलर से लास्ट जो विलेज है इंडिया का वो भी देख सकते हो, तो वो वहाँ पे नहीं था गुरु शिखर पे, वो यहाँ पे है, तो ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सिमिलर ही है।
वो वहाँ क्यों होगा बाय द वे? नहीं पर वहाँ नहीं था ऐसा, यहाँ पे है एक्स्ट्रा। और अब हम लोग जा रहे हैं हमारे लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ भूज में, धोलावीरा तक जो रास्ता है जिसको रोड टर्न बोलते हैं वहाँ। फेमस रोड टू हेवन धोलावीरा वाला जो रोड है वहाँ पे, मैंने जो रील्स देखी थी उसमें तो वाइट डेजर्ट था पूरा, और मैंने देखी थी उसमें पानी था। हाँ, और यहाँ पे पानी है, आई डोंट नो अभी आगे वाइट डेजर्ट आएगा या नहीं आएगा, पर फिलहाल यहाँ पे तो एंट्री पॉइंट पे तो पानी है, इट्स रियली रियली ब्यूटीफुल। लेट मी शो यू। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए, ड्रोन शॉट ले लिए, फोटोग्राफ्स भी ले लिए काफ़ी सारे रोड टू हेवन पे। डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम टू चेक आउट ऑल द फोटोज एंड रील्स एंड वीडियोस एंड एवरीथिंग। सो एक काम करते हैं, अब यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि इससे अच्छा लोकेशन लंबा ट्रैवल तो है पर इससे अच्छा लोकेशन नहीं मिलेगा वीडियो को एंड करने के लिए, सीरीज को एंड करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सीरीज। अगर ये कच्छ भूज की सीरीज आपको पसंद आई देन प्लीज हिट द लाइक बटन, नए हो सब्सक्राइब करें, ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन ताकि जो नेक्स्ट वीडियो लाए हो उसके आपको सबसे पहले अपडेट मिले। एंड वी विल सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।